दो जगह पर दोस्तों उसने बाइट किया हुआ है। और दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, ये देख सकते हैं दोस्तों कैसा अटैक कर रहा है हमारे। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सर पवित्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रेस्क्यू कॉल दोस्तों मुझे महादेवा छतौरा ग्राम सभा पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर एक महिला को जो है सांप ने डस लिया है, और जो है उनको तो अभी हम पूरा बाद में बताएंगे। जो साथ में हमारे चाचा जी बने हुए हैं, इन्हीं का वो घर है, इन्हीं के घर के अंदर कुछ कार्य करने के गई थी वो महिला और उनको सांप ने डस लिया, तो इन्हीं से पूछते हैं। और बस्ती से दोस्तों तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर के दूरी पर पड़ेगा ये ग्राम सभा। तो चाचा जी अपना नाम बताएं। संतोष कुमार, कैसे सांप काट लिया महिला को? गए तो अंदर कमरे में गए थे, हाँ ये झोला था, हाँ वही झोला हटाई, हाँ तब काट लिया। अच्छा, काटने के बाद फिर आपने क्या किया? काटने के बाद हम तो घर पे थे नहीं ना। अच्छा, 5 मिनट के बाद हम आके पहुँचे। अच्छा, जानकारी। हाँ तो एक बार काटा तो फिर झोला था, फिर दोबारा काट लिया। अच्छा, दोबारा काट लिया, हाथ में लपेट लिया था। अरे बाप रे, हाथ में लपेट। अच्छा, जहाँ पर सांप काटा है चलकर हमें बताएं, और जिस महिला को सांप काटा था वो कैसी है अभी? एक्सपायर हो गई। अच्छा, वो एक्सपायर कर गई है, चलिए ठीक है। तो जहाँ पर उन्होंने उनको सांप काटा था वो जगह हमें चलकर बताएं। तो वही जगह है जहाँ आप देखें, चलिए बताइए हमें। पूरा जानते हैं। तो चलिए दोस्तों चलकर देखते हैं कौन सा सांप काटा था उनको। तो वीडियो के दोस्तों लास्ट तक आप लोग बने रहिए। यहाँ पर देख सकते दोस्तों बहुत बड़ा दोस्तों घटना हो चुका है इस घर के परिवार में, कि एक परिजन को दोस्तों सांप ने डस लिया है और उनको दोस्तों मृत हो चुकी है। तो चलिए अब सांप का रेस्क्यू करते हैं हम और निकाल कर आप लोग को दिखाते हैं। दोस्तों यही वो कमरा है जिस कमरे के अंदर सांप ने उनको बाइट किया है। कहाँ पर बाइट किया था भैया? अच्छा, यहाँ पर, चलिए ठीक है। दोस्तों जो ये अलमारी है, इसी अलमारी के जस्ट नीचे कहीं पर दोस्तों कोबरा सांप, बता रहे थे कि कोबरा सांप है और बैठा हुआ था। वो बोरी हटाने के लिए जब आई तो उनको दोस्तों हाथ में 2 बार उसने बाइट कर दिया, और बाइट करने के बाद दोस्तों समय पर ना इलाज होने की वजह से दोस्तों उनकी डेथ हो चुकी है। तो दोस्तों ऐसी घटना दोस्तों अपने काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गवाए पहले सांप को आप देखते हैं कौन सा सांप है। तो दोस्तों इसको हम धीरे धीरे कर अब हटाते हैं। अगर यहाँ पर कहीं दोस्तों अगर सांप होएगा तो आप लोग के दोस्तों सामने आएगा। बहुत बड़ा दोस्तों हादसा हो गया इस घर में। और ये पाइप हटाइए, ये बता रहे थे दोस्तों कि यही पाइप लेने के लिए आई हुई थी, तभी दोस्तों उनको सांप ने बाइट कर दिया। देख सकते चूहा दोस्तों यहाँ से निकल के भाग रहा है। और ये बोरी हटाइए, और ये दोस्तों आप देख सकते हैं मुझे कोबरा सांप दोस्तों मुझे मिल चुका है। और दोस्तों मुझे लग रहा है यही सांप दोस्तों उनको बाइट किया था। ये आप देख सकते हैं दोस्तों अलमारी के अंदर दोस्तों कैसा घात लगाए बैठा हुआ है। और दोस्तों ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, ये देख सकते हैं दोस्तों कैसा अटैक कर रहा है हमारे ऊपर। और दोस्तों उनको 2 बार दोस्तों हाथ में बाइट किया, और काटने के बाद दोस्तों उनकी मृत्यु हो चुकी है। दोस्तों बहुत ही दर्दनाक दोस्तों ये हादसा हुआ एक घर में दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों सब लोग दोस्तों यहाँ पर नजरे बनाए हुए हैं सांप को देखने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, सांप हमें दोस्तों मिल चुका है, और इसको अब ले पकड़ कर दोस्तों लेकर चलते हैं बाहर। और जो चूहा दोस्तों भागा है, मुझे लग रहा है ये चूहा दोस्तों ये पकड़ रहा था, पकड़ नहीं पाया। और चलिए इसको बाहर लेकर चलिए आप। चलिए दोस्तों इसको लेकर चलते हैं बाहर, और इसके बारे में दोस्तों थोड़ी बहुत और जानकारी देते हैं हम। सांप दोस्तों मुझे मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप। इसको बाहर लेकर चलिए आप। और दोस्तों इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है, इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। दोस्तों जहां पर काटा है ये आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ये डेंजर सांप है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आए दिन अपने
उत्तर प्रदेश अपने बस्ती जिला में ऐसा घटना दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, घर के लोग हैं, गाँव के लोग हैं दोस्तों, काफ़ी भयभीत है दोस्तों। एक बहुत बड़ा दोस्तों हादसा हो गया इस ग्राम सभा में, ये आप देख सकते हैं दोस्तों, घर के लोग हैं, गाँव के लोग दोस्तों, काफ़ी बड़ा दोस्तों मातम बरस गया इस गाँव के ऊपर दोस्तों। एक महिला को दोस्तों सांप ने काट लिया, काटने के बाद दोस्तों उनकी डेथ हो चुकी है। ऊपर से दोस्तों सांप भी मुझे रेस्क्यू करने का मिल गया। ये सांप दोस्तों उधर ही घात लगाए दोस्तों, अलमारी के अंदर बैठा हुआ था, कहीं भागा नहीं। और हमें दोस्तों ये सांप मिल चुका है, ये आप देख सकते हैं। भैया यही सांप था ना? और दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। भागिए मत, अब भागिए मत। तो दोस्तों बिना समय गवाए इसको अब पैक कर देते हैं झोरी के अंदर। और दोस्तों उस महिला को भी दोस्तों दिखाते हैं जहाँ पर दोस्तों डेड बॉडी रखा हुआ है, वो भी हम आप लोग को दिखाएंगे, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। और हाथ में दोस्तों दो दो मर्तबा काटा, ये नहीं कि एक ही मर्तबा काटा, दो दो मर्तबा काटने के बाद दोस्तों जब उनका इलाज समय पर नहीं हो चुका दोस्तों, इसलिए उनकी डेथ हो गई है। और इसीलिए आप लोग से दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आपको अपने जिला अस्पताल जाना चाहिए। समय पर वो लेकर गए, लेकिन समय ज़्यादा निकलने की वजह से उनकी दोस्तों डेथ हो चुकी है। तो चलिए, ये दोस्तों आप देख सकते हैं दो जगह पर दोस्तों उसने बाइट किया हुआ है, और दोस्तों पूरा हाथ काला हो गया है। ये आप देख कर खुद समझ सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा हादसा दोस्तों इस घर में हो गया। एक कोबरा सांप दोस्तों, जो कोबरा हमने पकड़ा है वही कोबरा सांप इनको दोस्तों बाइट किया है। और दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये लोग बता रहे घर के लोग, गांव के लोग, कि यहाँ पर पीछे के साइड में एक कोबरा और सांप दिखा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें कहीं और कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। मुझे लग रहा है यही सांप था कि आकर फिर दोबारा वहाँ पर बैठ गया, और उसको सफलतापूर्वक दोस्तों रेस्क्यू कर लिए हैं। तो दोस्तों जिस कमरे में सांप ने काटा था उस कमरे में हम दोबारा आ चुके हैं। हम ये ट्राई कर रहे हैं कि अगर और भी कोई सांप अगर होगा तो देखते हैं, अगर वो मिला तो अच्छी बात है। तो इसको आप ढूंढिए और ट्राई करिए। तो दोस्तों और हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पर सांप, और चूहा दोस्तों इसमें और घूम रहे हैं। तो इससे में लग रहा है दोस्तों कि यही सांप था जो इस अलमारी के अंदर बैठा हुआ था दुम दबाकर दोस्तों, और घात लगाए बैठा हुआ था जिस महिला को सांप ने काटा है, जैसा कि आप लोग को हमने वीडियो में दिखाया। तो दोस्तों और हमें सांप नहीं मिला है, जितने भी सांप थे उसके अंदर एक ही सांप हमें मिला है, और उस सांप को पकड़ कर झोरी के अंदर हम पैक कर दिए हैं सही सलामत। और फिर दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर किसी जंतु को बचाते हुए, फिर किसी जंतु को छोड़ते हुए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि वीडियो को आप लोग अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और कमेंट में दोस्तों हमें जरूर बताएं कैसा लगा इस घर के लोग को, गांव के लोग को जानकारी हमने जो भी हुआ बताया दोस्तों, कि सांप काटने के बाद दोस्तों जिला अस्पताल जाना चाहिए, किसी झाड़ फूक तंत्र विद्या के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। और ये आप देख सकते हैं दोस्तों घर की जो महिलाएं हैं दोस्तों, सभी लोग दोस्तों यहाँ पर जुटे हुए हैं, सबको क्या बताया दोस्तों, कुछ कहने को नहीं बनना दोस्तों, बहुत बड़ा हादसा हो गया घर के अंदर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।